नमस्कार हिंदुस्तान, सभी मेरे भाइयों को दिल से राम राम, दिल से सलाम मेरे भाई सुशील जी और जसविंदर भाई की तरफ से। आज का वीडियो होने जा रहा है जिस काम का सभी टेक्नीशियंस, ईसीएम वाले, जितने भी गैरेजेस वाले भाई हैं, उनकी डिमांड पिछले कुछ सालों से और कुछ महीनों से ज़्यादा बढ़ी, जब से D12 मैन्युफैक्चर होना बंद हुआ और मिलना बंद हुआ। मैं हाँ जी कहने जा रहा हूँ D16 इमोबिलाइजर महिंद्रा का, जो तार वाला इमोबिलाइजर जो आता है बुलेरो पिकअप, बुलेरो मैक्सी ट्रक, बुलेरो पावर प्लस और SLX4, मतलब जितनी भी ये तार से लमकने वाली इमोबिलाइजर है, इसमें जो ECU कनेक्टेड है BS4 के, वो है 1755, 1763 और डेल्फी 2.5। ठीक है जी, हमने आज से 5-6 महीने पहले मैंने ऑन टेबल ये काम किया था, वो बहुत खुशी खुशी वीडियो डाली। बाद में पता लगा कि वो गाड़ी पे सक्सेस ही नहीं था, जब गाड़ी पे क्रैंक लगती थी वो कोड दोबारा खड़े हो जाते, क्योंकि ये इमोबिलाइजर बहुत टफ है। ये एक्चुअली में, ये इमोबिलाइजर के बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल देना चाहूँगा, ये इमोबिलाइजर बना था BS6 व्हीकल्स के लिए, तभी ये इमोबिलाइजर 2020-21 के बाद ही आया है, जिसको MD1 और स्कॉर्पियो में जो MD1 आता है उस ECU के साथ इसकी पेयरिंग एक्सपोर ऑलरेडी कर रहा है, चाहे जितने बार मर्जी लगा लो। पर जब D12 की मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई, तो जब हमने इसको D16 कोड BS4 के व्हीकल्स पे लगाया, बुलेरो पे, पिकअप पे, मैक्सी ट्रक पे और पावर प्लस पे, चाहे वो डेल्फी का ECU हो, C55 का हो, तो वो सक्सेस हो जाता था पर गाड़ी स्टार्ट नहीं करता था, और पहले तो उसके अंदर एंट्री नहीं होता था। जब उसको धीरे धीरे हमने एक साल से लगे हुए हैं मैन्युफैक्चर डेवलप करना स्टार्ट किया उस सॉफ्टवेयर को, आज जाके उसकी सक्सेस मिली है। कुछ टाइम पहले एक ग्रुप में वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो जायज नहीं थी, अगर जायज होती तो अब सभी भाइयों को सॉफ्टवेयर पहले मिलता। सॉफ्टवेयर जब मिलेगा, जब कोई भी एक्सटूल का आदमी हमारे किसी चैनल से, सुनील भाई, रावत जी, हमारा कोई भी भाई, वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, उसको सच माना करो, किसी वीडियो पे ध्यान मत दिया करो। अभी ज़्यादा बातें नहीं, डायरेक्ट चलते हैं काम के ऊपर। गाड़ी है बुलेरो पिकअप सिंगल डोर तो मैक्सी ट्रक आ जाएगी, जिसके अंदर ECU है 1755 का। ये देखिए, ये हमने अपना ECU लगाया हुआ है, गाड़ी का ECU सेव करके, ये ओरिजिनल ECU है, ये अपना 1755 का ECU। ठीक है, कस्टमर को किस तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। हाँ, 400 की गाड़ी है बेचारी। अभी इसके अंदर भी एक थोड़ी सी आपको थ्योरी शेयर करता हूँ। इसका काम का जो मेथड है वो ऐसे होगा, कभी भी आपने फ्रेश इमोबिलाइजर लगाना है तो आप इमोबिलाइजर का पासवर्ड रीड करोगे, ECU का पासवर्ड रीड करने की जरूरत नहीं है, C55 पे, 63 पे और डेल्फी पे फिलहाल के लिए, क्योंकि महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है जिसपे अपने को वेरियस मेथड्स मिलते हैं काम करने के। ये देखिए, आ जाओ बुला, नहीं लोड ही नहीं भाई। ये देखिए वर्जन अभी चल रहा है 26.70। एक फोन गलती नहीं करनी, ये तुम्हें फट के रखो, ये वर्जन चल रहा है 26.70। तो एक वीडियो आई थी, पता नहीं 26 पॉइंट कितना था, तो आप वही चीजों पे विश्वास करो जो ऑफिशियली किसी आदमी के थ्रू आती है। भाई लाइट छोड़ो अपने फोन, हाँ छोड़ दो। ये अपना इमोबिलाइजर मैंने लटकाया हुआ है, इमोबिलाइजर पढ़ाई हूँ मेरा। ये देखिए D16 और D16 इमोबिलाइजर, ये D12 है, तो इसको हमने प्लग निकाल दिया यहां से। ये मैं इसके अंदर लॉक सेट की फिट कर रहा हूं, और इग्निशन कर रहा हूं ऑन। ठीक है जी, एक मिनट, पहले एक बार क्रैंक करके देखते हैं। ये देखो, क्रैंक होगी नहीं, क्रैंक तभी होगी जब आपका काम होगा, और काम करने का जो मेथड आप देखिए,
न्यू सॉफ्टवेयर, सबसे पहले आप इसका विन कोड चेक करें, विन कोड ब्लैंक होगा। जब भी आप नया इमोबिलाइजर लगाओगे या उसका विन नंबर नहीं राइट होगा तो ब्लैंक होगा वो। इसके अंदर अभी हम इसका विन कोड राइट करेंगे जो ECM के एडजस्ट का है। यदि फोटो खींचो, ठीक है जी। और आप एक चीज और नोट करें, ये नया इमोबिलाइजर है ना, अभी मैं इस सॉफ्टवेयर पे जा रहा हूँ, न्यू सॉफ्टवेयर पे इसका काम होगा कि इन्फॉर्मेशन में गया, इसका पिन मांग लिया। मैंने इस वाले इमोबिलाइजर पे ये चीज़ चेक की है, इसमें हम पिन कोड भी इसका रीड कर सकते हैं, पर जब इसका मैं चेसिस नंबर यहाँ पे डालूंगा, ये आप नोट करें, चेसिस नंबर डालने के बाद ये कोड के बिना काम होगा। हर किसी पे नहीं, इस वाले पे हो रहा है। ये मैं इमोबिलाइजर के पिन पे जा रहा हूँ, MA1ZP2 हाँ जी, TBKJ2B 2843 843। ये लीजिए सक्सेस। अभी आप नोट करें, जब इसके अभी काम की स्पीड वैसे ही है जैसे आप D12 करते हो, तो आप खुश हो जाओगे सॉफ्टवेयर को चेक करके। ये देखिए उसी समय ये खुल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट गो टू इमोसिंक, इमोसिंक करने के बाद ये नई तीन ऑप्शंस आएंगी, D16 इमो 1763 1755 और डेल्फी, अपना है 1755। क्लैरिटी देखो, ये सक्सेस हो गया, ठीक है जी। सक्सेस जैसे पहले हम काम करते थे, सिर्फ क्लियर DTC कर दो इमो की, कर दी। अभी सिर्फ इग्निशन ऑफ करना, आपने रिले कट होने का वेट करना है। बस इनफ है, ये न्यूट्रल चेक कर लें, न्यूट्रल है, ये दिख रहा है। अपना वर्क है फिनिश D16 के साथ। अभी कुछ टेक्निक की बातें, इस काम को जब भी आपने स्टार्ट करना है तो अगर तो उसने की इंफॉर्मेशन में पिन कोड आपका मांग लिया तो BS6 में जाओ, इमोबिलाइजर पे जाओ और इमो का पिन रीड करो। फ्रेश इमोबिलाइजर ज्यादातर डबल अप होते हैं, अगर वो डेवलप से नहीं एक्टिवेट हो रहा है तो आप पिन को रीड करें, पर इश्यू को नहीं करना। इश्यू थी ये वाले इमोबिलाइजर पे, उसने पिन कोड मांगा, मैं ऑलरेडी एक बार काम कर चुका था तो उसके हैक्स उससे मैच हो गए थे, जब मैंने उसमें दोबारा पिन कोड भरा तो वो वर्जन हो। तो यही चीज़ें हैं, ये ऑफिशियली अनाउंस कि C55 सक्सेसफुली ऑन हो चुका है एक्चुअल पे, D16 इमोबिलाइजर के साथ। अभी और भी टेस्टिंग करेंगे, पहले कम से कम 10 गाड़ी सेटिस्फाई होके तभी हम अपडेट को रिलीज करेंगे। मैंने ऑटो मैकेनिक पे जितने भी भाई हमारे पास थे, मैंने एक चीज ऑफिशियली बोली थी कि मैं आते ही सबसे पहले इसकी वीडियो डालेंगे। हम अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं, पर मेरे भाइयों आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है हमें। जब आप कॉमेंट में नीचे लिखते हो ना, कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, तो क्या है कि हम भी आपके जैसे पेशेंस पे काम लगे। उन्हें भाई हमारे बहुत खास है, इन्होंने मेरी एक चीज़ बोली, ये जलंधर में अपना गैरेज ऑन करते हैं, इन्होंने बोला मैं पर्सनली 4-5 गाड़ियाँ छोड़ चुका हूँ इसी महीने में, और इनके पास एसिस प्रो 2 है, कितना बड़ा स्कैनर है, मतलब ये हमसे कितना कोऑपरेट करते हैं। यही सेम अगर आप हमसे इतना ही पेशेंस के साथ चले तो हम आपसे पूरी कोऑपरेट करेंगे इस चीज़ को। थोड़ा पेशेंस रखें, आपका पेशेंस जो हमें सपोर्ट करेगा उससे ही हम बढ़िया अपडेट, आपको दिक्कत नहीं आएगी वो हम रेडी कर पाएंगे। D16 के बाद अभी D17 आ चुका, उसके ऊपर भी लगेंगे, 18 भी आ चुका। मेरा मानना ये है कि आप भाई जब भी कोई सॉफ्टवेयर आता है ना उसको प्रोत्साहन किया कीजिए, उसको अप्रिशिएट किया कीजिए, ताकि हमें और अभी हमें पता लग जाएगा YouTube पे कितने भाई कमेंट करते हैं। वीडियो जरूर कोई 5-10 हज़ार आदमी देख लेगा, कितने आदमी ये देखते हैं कि काम कितना बढ़िया हुआ है। 5 महीने पहले जब मैंने टेबल पे काम किया था तो इसी चीज से किया था कि भाई
हमारे भाइयों का काम जल्दी हो जाए। क्या पता था ये तो 6 महीने खा जाएगा गाड़ी पे करते करते। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी डेल्फी 2.5 के साथ। बिल्कुल जी। C55 अपना रेडी है। जय हिंद। 1763 के लिए भी नई वीडियो। बिल्कुल जी, बिल्कुल।